और नौजवानों के उन्होंने अपने घर भरे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जो है सिर्फ अपने जाति मुफाद के लिए इन लोगों ने काम किया है, और खास तौर पर जितनी रुसवाई हुई है पढ़े लिखे नौजवानों की इनकी हुकूमत के दौरान, दिखाया गया, लोगों को बाहर निकाला गया, रिट्रेंचमेंट हुई, डिसंगेज किए गए लोगों, लेकिन उनके हाथ जो है ये आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा जो है काउंटर प्रोडक्टिव होगा। इट वुड लीड टू अर्थ शेकिंग कॉन्सिक्वेंसेस। जी, जम्मू कश्मीर में नौजवानों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया जा रहा है। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके साथ जो ज्यादती हो रही है उसकी पैंथर्स पार्टी सख्त निंदा करती है। खासतौर पर जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं, जो हाईली क्वालिफाइड हैं, पीएचडीज हैं, एमफिल्स हैं, नेट स्लेट हैं, उनको जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है इस सरकार द्वारा वो सरासर गलत है, अनजस्टिफाइड है। इनको निग्लिजिबल वेतन के ऊपर इनसे काम लिया जा रहा है, और इनको रेगुलराइज करने के लिए बार बार सरकार द्वारा वादे किए जाते रहे लेकिन उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अब इन कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स को नीड बेस्ड कहा जा रहा है, नया डेजिग्नेशन दे दिया गया है, जिससे एक भारी रोष इनके अंदर पनप रहा है। और अभी हाल ही में एडवाइजर महोदय ने एक आदेश दिया है कि जो रेगुलर लोग हैं उनकी एज 60 से 62 की जाए। आप कीजिए, लेकिन आप किस तरीके से नज़रअंदाज कर सकते हैं उन नौजवानों को जो 10 साल से 20 साल से अपनी सेवाएं इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दे रही हैं, जिनको आप बार बार बाहर निकालने की धमकी भी दे रहे हैं, निकाल भी रहे हैं, और नॉमिनल वेजेस के ऊपर जिनसे काम ले रहे हैं। ये एक ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा वॉयलेशन है, ये बहुत अनजस्टिफाइड भी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो एक जैसा काम करते हैं उनको अलग अलग वेतन देना एक्सप्लॉयटेटिव एनस्लेवमेंट होगा। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की सरकार पढ़े लिखे नौजवानों के साथ एक भद्दा मजाक कर रही है, ये आने वाले वक्त में काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकता है, और पैंथर्स पार्टी इन नौजवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी ताकि इनको इंसाफ मिल सके, और इनका अधिकार इनको दिलाने के लिए पैंथर्स पार्टी किसी भी हद तक जाएगी। हम अपने नौजवानों के साथ बेइंसाफी किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे।